हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर इंदु खोसला हूँ। मैं बच्चों की लंग स्पेशलिस्ट हूँ। मैं SRCC हॉस्पिटल में एज लंग स्पेशलिस्ट अटैच्ड हूँ, जो नारायण हृदयालय से मैनेज्ड है। आज मैं आपको आपके बच्चों के लंग के डिजीजेस या एलर्जीज के बारे में बताने जा रही हूँ। आप तो सब जानते हैं कि आप लास्ट 6 महीने में सब लोग घर के अंदर थे और ना बच्चे आपके हेल्दी थे, पर अब जैसे कोविड जा रहा है और अब हम सब बाहर की तरफ चलेंगे और बच्चों के स्कूल शुरू होंगे और बच्चे बाहर जाएंगे, तो हम कुछ और वातावरण में जो नए नए कीटाणु हैं या फिर एलर्जीज हैं, वो हम हमारे बच्चों में ऐसे कुछ बीमारियां हम देखना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ। एलर्जीज, सीजनल एलर्जीज, ये क्या चीज़ है? आप एक ऐसे सोचिए, सपोज आपका 6 साल का बच्चा स्कूल के पिकनिक में किसी गार्डन में गया और वो जब घर आया उसको बहुत सारी छींके आने लग गई, उसकी आंख लाल हो गई, उसको खुजली होने लगी आंख में, नाक में, गले में थोड़ी सी खराश हो गई, तो आप सोचेंगे कि बच्चे ने शायद बाहर गया, किसी को इन्फेक्शन था, आपके बच्चे को भी लग गया, या उसने कहा वहाँ कोई ठंडी ड्रिंक पी ली या चॉकलेट्स खा ली। ऐसे ही आते हैं हमारे पास मम्मी पापा, बोलते हैं कि बच्चे ने चॉकलेट खा ली, कुछ ड्रिंक ले ली और इसलिए उसको खांसी सर्दी शुरू हो गई। पर अगर आपके बच्चे को ये बार बार हो कि उसकी आंखें लाल हो जाएं, उसको खुजली जैसे लगे या छींके बहुत आएं और बुखार ना हो, तो ये इन्फेक्शन नहीं है, ये एलर्जी है। और ये एलर्जी होती किस चीज़ से है? ये होती है या तो आउटडोर पोल्यूटेंट से, मतलब जैसे अगर बच्चा बाहर गया तो फूल पत्तों में पोलन होता है तो उससे हो सकती है, या फिर अगर बच्चा घर में हो तो घर में भी कुछ एलर्जन से भी बच्चों को एलर्जी हो सकती है। तो जब घर के एलर्जन से होती है, ये एलर्जी ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली रहती है, तो जैसे गीली दीवारें जिसमें फंगस ग्रो हो सकता है, अगर आपके घर में कोई पेट्स हो या कैट या डॉग हो तो उसके बालों में से भी बच्चों को एलर्जी हो सकती है। पर मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग इज डस्ट, जो डस्ट माइट्स होते हैं जो हमारे बेड्स कवर्स में या फिर बच्चों के सॉफ्ट टॉयज में या फिर कारपेट्स में या फिर AC फिल्टर्स में बैठ जाते हैं, उससे भी बच्चों को एलर्जी होती है। और इसके लक्षण तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये किसको होती है एलर्जी? ये सबको हो सकती है, पर अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है एलर्जी की, आस्थमा की, तो ऐसे बच्चों को ज़्यादा रिस्क है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके बच्चे को बार बार खांसी हो तो आप उसे इन्फेक्शन ना समझें, आप उसे एलर्जी की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम इसको डायग्नोज नहीं करें टाइम पे और करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं दें तो ये बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, अपने रोज़ की जो दिनचर्या होती है, ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं कर पाएंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे, स्कूल से छुट्टी बार बार लेनी पड़ेगी और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। पर अगर हम इसको करेक्ट टाइम पे डायग्नोज करें तो हम इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। वो आपके डॉक्टर्स के पास अगर आप जाएं तो आपको वो बराबर से बता सकेंगे कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। और सिम्टम रिलीफ के लिए, जैसे छींके जब आ रही हैं तो कुछ दवाइयां दी जा सकती हैं जिससे उसका सिम्टम्स कंट्रोल हो सकता है। अब हम ठंडी की तरफ बढ़ रहे हैं, विंटर सीजन, और दिवाली भी हमारे अराउंड द कॉर्नर है। पटाखों की दुनिया में जो धुआं आता है उससे भी काफ़ी बच्चों को तकलीफ हो सकती है, वो इरिटेंट्स होते हैं, जैसे पोल्यूशन, दिवाली के धुएं के क्रैकर से भी ये सब सिम्टम्स और बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए आपको ये सब जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। ठंडी के मौसम में कुछ वायरसेस आते हैं जिससे भी ऐसे एलर्जी ट्रिगर हो सकती है, तो ये सब आपको ध्यान में रखते हुए आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए और आपके बच्चे की गुड हेल्थ के लिए आपको पहले ही प्रिकॉशंस लेने हैं। तो आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे? सबसे पहले अगर आप जानते हैं कि आपके बच्चे को किसी पोलन की एलर्जी है तो बच्चे को गार्डन्स में मत लेके जाइए जब फ्लावरिंग सीजन या पोलन सीजन होता है। अगर आपके बच्चे को ऐसे डस्ट से एलर्जी है तो डस्ट से आपके बच्चे को बचा के रखिए, आपका घर क्लीन रखिए, सॉफ्ट टॉयज रूम में ना रखें, बेड कवर्स फ्रिक्वेंटली क्लीन करें और दिवाली के क्रैकर्स के टाइम पे बच्चों को उससे दूर रखें। ये सब आप छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेंगे तो बच्चों के आप सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकेंगे। साथ में कंट्रोलर दवाइयाँ जो आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे उससे भी आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी। आई होप ये जानकारी आपके बच्चे के सेहत के लिए फायदेमंद होगी और आपका बच्चा तंदुरुस्त रहेगा ये विंटर सीजन में और आपके बच्चे को कुछ तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू सो मच।